जनपद बहराइच के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश में चलाए गए धरपकड़ अभियान के तहत थाना दरगाह शरीफ में क्षेत्र मोबाइल लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के शीघ्र अनावरण के कड़े दिशा निर्देश दिए थे। घटनाओं के खुलासे हेतु आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अजय प्रताप व क्षेत्राधिकारी नगर त्रियंबकम नाथ दुबे के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने घटना के सफल अनावरण हेतु टीम गठित कर अथक प्रयास कर 20 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर लूट की घटनाओं से संबंधित अभियुक्तगढ़ को समय सुबह हड्डी गोदाम नसरुद्दीन चक मोड़ के पास से जब वे किसी नई घटना को कारित करने के उद्देश्य से एकत्रित थे, उन्हें पुलिस टीम द्वारा घेरकर कुल 11 लूट के मोबाइल व लूट की घटनाओं में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल बरामद नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने थाना दरगाह शरीफ कोतवाली नगर की व कोतवाली देहात व आसपास के क्षेत्रों से मोबाइल लूट की घटनाओं का किया जाना स्वीकार किया एवं तत्पश्चात अभियुक्तों के बताए जाने पर लूट की मोबाइल को खरीद कर व्यापार करने वाले दुकान दार तारीख से उसके दुकान से लूट की 5 मोबाइल बरामद कर तारीख को सुबह नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगढ़ को पेशी हेतु न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना कर दिया गया। जनपद बहराइच के नगर क्षेत्र में कुछ दिनों से एक गैंग सक्रिय था जो राहगीरों से या रिक्शे से जाने वाले लोगों से मोबाइल छिनैती करता था। लगातार इस पर टीमें लगी हुई थी। थाना दरगाह की पुलिस द्वारा आज इस गैंग की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से 6 लोग अरेस्ट हुए हैं जो छिनैती करते थे। साथ ही छिनैती करने के बाद सस्ते दामों पर मोबाइल जिस मोबाइल शॉप वाले को बेचा जाता था उसको भी अरेस्टिंग की है। इनके पास से 16 कुल मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिनमें ऑलरेडी 4 जो है मुकदमे से और वादी से कनेक्ट हो गए हैं, बाकी 12 को भी कनेक्ट किया जा रहा है। जिन वाहनों से ये छिनैती की घटनाएँ करते थे उनमें 3 मोटरसाइकिल जो है जब्त की गई हैं। इस गैंग को अरेस्ट करके जेल